और 90 के दिन रोबिया आसिफ खान ने विधि विधान से घर में जमाया कन्या लांगुरा। अलीगढ़ में गणेश चतुर्थी पर गणेश मूर्ति अपने घर में स्थापित करने वाली रोबिया आसिफ खान ने नवरात्र में मां दुर्गा की प्रतिमा भी अपने घर पर स्थापित की। रूबी ने पूरे नवरात्र व्रत रखा, आज नवमी है। रूबी आसिफ खान ने अपने घर में पूरे विधि विधान से कन्या लांगुरा को जमाया। वहीं रूबी ने उसके पति द्वारा आसिफ खान ने कन्याओं को परात में रखकर पैर धोए और रुमाल से पोंछकर उनको चुंदरी बांधी है। उसके बाद उनको भोजन कराया, इसके बाद उनको गिफ्ट देकर विदा किया। रूबी आसिफ खान अपने घर में रखे दुर्गा प्रतिमा को कल नरोड़ा में विसर्जन करने जाएंगी। रूबी आसिफ खान देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने पर कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। पिछले दिनों उनके घर के बाहर भी पोस्टर लगे थे जिनको उनको जिंदा मारने की चलाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद उनके घर पर 2 पुलिसकर्मी तैनात हैं। भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और जयगन मंडल की उपाध्यक्ष भी हैं। बता दें कि रूबी आसिफ खान ने बताया कि माँ भगवती की हमने मूर्ति की स्थापना की थी। नवदुर्गा में हमने आज 9 कन्या खिलाई हैं, जिसमें 6 कन्या थी, 3 लांगुरा थे और पूजा की थी। उसको जो भी बच्चों को सामान खान पीने का था वह सब कुछ दिया है। कांस्टेबल देर रात, 1 कांस्टेबल दिन में सुरक्षा के लिए मिला है। मैं चाहती हूँ कि प्रशासन से सुरक्षा से हमारी इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। वहीं उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग दुश्मन बन गए हैं और कुछ भी कर सकते हैं। पोस्टर लगवाकर मुझे जान से मारने की धमकी भी लगातार मिल रही है। आज उन्होंने कहा कि मूर्ति विसर्जन करने पर कल वह नरोड़ा जाएंगी, जिसके बाद उन्हें भी सुरक्षा की जरूरत है। वहीं रूबी के पति आसिफ खान ने बताया कि नवरात्रि के पावन पर्व में उपलक्ष्य में माँ भगवती की स्थापना अपने घर पर ही की थी। आज नवमी में आज कन्या भोजन का आयोजन किया गया है, जिसमें कन्याओं को भोजन भी कराया गया है। 6 कन्या पूजा की गई थी, 3 लांगुरा थे, दक्षिण में भी की गई थी। इसके साथ भोजन भी कराया और बच्चों को गिफ्ट भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी को, पूरे परिवार को बहुत धमकियां मिल रही हैं। लगातार मुस्लिम मौलानाओं द्वारा भी कई बार तकरीर के माध्यम से उन्हें एक तरीके से हिदायत दी और उसके साथ साथ चेतावनी भी दी, लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि हमें प्रशासन ने एक कांस्टेबल सुबह और देर रात के लिए दे रखा है। माँ भगवती की हमने मूर्ति की स्थापना की थी और 9 दुर्गों में हमने आज 9 मतलब कन्याएं खिलाई हैं, जिसमें के 6 कन्या थी और 3 लांगुर थे, और पूजा वूजा की थी और उनको जो भी बच्चों को सामान है उनके खाने पीने का वो दिया था। और आपको पुलिस की तरफ से क्या सुरक्षा मिली हुई है? 2 कांस्टेबल रात में है और 1 सुबह में है। दिन में एक है। क्या मांग कर रही हैं? हाँ, मैं ये चाह रही हूँ कि प्रशासन से के कड़ी से कड़ी सुरक्षा रहे हमारी, जिसमें हमारी जान को पूरी तरह खतरा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके चलते हुए आज इतने फतवे जारी हो चुके हैं, मुस्लिम समाज के लोग दुश्मन बन चुके हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकती। पोस्टर लगवा दिए, पहले गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की थी तो उसमें फतवे दिए थे, और आगे सब ये चल ही रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आप मूर्ति का विसर्जन करने कब जाएंगी? हाँ, कल जाऊंगी नरोड़ा। कहाँ जाना है? नरोड़ा। शारदा नवरात्रि का पावन पर्व के उपलक्ष्य में माँ भगवती की स्थापना की थी हमने अपने घर पर। आज नवमी है, इसलिए आज कन्या पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें कन्याओं को भोजन भी कराया गया है। 6 कन्या पूजी गई हैं, 3 लांगुर, उन्हें दक्षिणा भी की गई है, उनको भोजन भी कराया गया है। और इसी आयोजन में हमें और हमारी पत्नी को, पूरे परिवार को बहुत धमकियां मिली, फतवे मिले, हमारे घर पे पोस्टर लगा दिए गए, मोहल्ले में पोस्टर लगा दिए गए, कहने रूबी आसिफ खान को ये काफिर बन गई है, इन्हें परिवार से ही जिंदा जला दो, इनको इस्लाम से खारिज कर दो, उस पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर लिखा था। लेकिन हम पीछे नहीं हटे इससे, अब हमें इसी खौफ की वजह से जीना पड़ रहा है, जिसमें प्रशासन ने 1 कांस्टेबल दिन में दे रखे हैं, 2 कांस्टेबल रात में।